नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त योगेश आ चुका हूँ आज आपके लिए फिर से एक 2 BHK लेके रोड फेसिंग कॉर्नर प्रॉपर्टी नियर बाई स्टेशन और नियर बाई सगुन चौक। तो आइए फटाफट आपको पहले प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, बाकी बातें आपको पूरा वीडियो में मैं कर पा रहा हूँ। तो आज मैं खड़ा हूँ उसके अभी फर्स्ट फ्लोर, यानी उसके फर्स्ट फ्लोर में स्विमिंग पूल छोड़ के बाकी सारी एमिनिटीज है। तो आप देख सकते हैं मेरे राइट में आपको जिम मिल जाता है, ये आप प्रॉपर देख सकते हैं, ये पूरा आपका जिम सेक्शन हो जाता है यहाँ पे। और लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में ये पूरा इंडोर गेम का सेक्शन है, जो कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे क्लीनिंग का काम चल रहा है, तो सारे जितने भी इंडोर गेम के स्टूडेंट हैं बाहर रखे हुए थे, यहाँ पे आप प्रॉपर देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका इंडोर गेम सेक्शन हो जाता है। और साथ में इसमें गार्डन मिलता है, क्योंकि ये आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं ये गार्डन काफ़ी लंबा है, पूरे बिल्डिंग के राउंड अप में आपको ये गार्डन मिल जाता है प्रॉपर। पर यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक और बाकी सारी एमिनिटीज, चिल्ड्रन प्ले एरिया भी आपको मिल जाता है, 2 लिफ्ट मिलते हैं, 2 स्टेयरकेस, तो काफ़ी बेहतरीन क्या प्रॉपर्टी है। तो चलिए फटाफट से पहले आपको लेके चलता हूँ फ्लैट, दिखाता हूँ आपको दोस्तों। ये हम खड़े हैं अपने फ्लैट पे, तो चलिए आपको फ्लैट विजिट कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये आपका हॉल रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पे सेफ्टी डोर मिल जाता है, फिर यहाँ पे एक स्पेस मिलता है जो कि आपको सूझ रहे ऑलरेडी यहाँ पे ये बना हुआ है, फिर यहाँ से आपको मिलता है ये आपका मेन डोर। इसके बाद आइए आपको मैं अभी डोर बंद करता हूँ और फिर पूरा फ्लैट आपको विजिट कराता हूँ। तो दोस्तों ये आपका हॉल है जो कि एल शेप में रहेगा, विथ एमिनिटीज रहेगा, स्विमिंग पूल छोड़ के बाकी सारी एमिनिटीज इसमें प्रॉपर आपको रहेगी। साथ ही आप हॉल देख रहे हैं जो कि काफ़ी बड़ा आपको हॉल मिलता है, यहाँ आप सामने टीवी यूनिट देख सकते हैं, यहाँ पे आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा आप टीवी यूनिट आराम से बनवा सकते हैं। साथ ही यहाँ आप एल शेप में आप यहाँ पे सोफ़ा कर सकते हैं, या सामने आप टीवी लगा सकते हैं और इधर आप अपना सोफ़ा यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल कर सकते हैं। और आइए अब आपको मैं दिखाता हूँ आपका डाइनिंग स्पेस, कि डाइनिंग स्पेस कैसा है। तो ये आप देख सकते हैं ये रहा आपका डाइनिंग स्पेस, जो कि काफ़ी बड़ा आपको डाइनिंग स्पेस मिलता है, जहाँ पे 4 से 6 सीट आराम से इंस्टॉल की जा सकती है। तो ये प्रॉपर 2 BHK का G+12 के टावर में रहेगा। तो आइए अब आपको दिखाता हूँ आपका किचन। दोस्तों घर काफ़ी टाइम से बंद था, इसके लिए काफ़ी धूल हो चुकी है, इसके बाद भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी बढ़िया घर है। यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म मिलता है, एक आपका मेन प्लेटफॉर्म, एक आपका सर्विस, 2x10 1x7, यानी आप ये सोचेंगे ये क्या है, तो 2x10 का आपका मेन प्लेटफॉर्म है और 1x7 का आपको सर्विस प्लेटफॉर्म रहेगा। बीच का स्पेस अराउंड करीब करीब 3 से 4 फीट का आपको बीच में स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्रिज एरिया, यहाँ पे आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक पॉइंट, और आगे आपको बोलें तो यहाँ भी आपको काफ़ी बढ़िया छज्जा मिलता है, जो कि यहाँ पे आप पीछे पूरा का पूरा वाटर कनेक्शन है, वहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं, या पूरा जगवार फिटिंग के साथ आपका ये है प्रॉपर। और आइए अब आपको दिखाता हूँ आपका ही कॉमन बाथरूम। तो ये आप देख सकते हैं ये आपका कॉमन बाथरूम रहेगा, जो कि काफ़ी बड़ा कॉमन बाथरूम है, फुल वॉल टाइल्स के साथ है, वेस्टर्न टॉयलेट, काफ़ी बेहतरीन की फिटिंग, वाटर पॉइंट, शावर पॉइंट, ऑल पूरा का पूरा प्रॉपर क्लियर रहेगा दोस्तों। और आइए अब आपको दिखाता हूँ आपका पहला बेडरूम। उससे पहले यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन का वेस्टर्न मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है और आपके बाथरूम के बाहर है, तो कभी भी आप कॉमन यूज कर सकते हैं। आइए अब आपको दिखाता हूँ आपका बेडरूम। तो ये रहा आपका पहला बेडरूम, जो कि एज अ कॉमन बेडरूम, गेस्ट रूम, एज अ चिल्ड्रन रूम आप यूज कर सकते हैं, जिसके बाहर मिलती है आपको एक काफ़ी बड़ी बालकनी, ये नीचे आप देख सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी बड़ी बालकनी मिलती है। और साथ ही दोस्तों ये जो आपका फ्लैट है ना, ये कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, रोड फेसिंग का फ्लैट है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। और आपको और बताऊं तो ये आपका 3rd फ्लोर का काफ़ी बेहतरीन का प्रॉपर्टी है, जो कि रोड फेसिंग विथ पार्किंग है। तो आइए अब आपको दिखाता हूँ आपका मास्टर बेडरूम, जो कि आपका दूसरा बेडरूम रहेगा, क्योंकि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ आज 2 BHK। ये आप देख सकते हैं ये आपका काफ़ी बड़ा आपको मास्टर बेडरूम मिलता है, जो कि ये भी रोड फेसिंग का रहता है, बालकनी अटैच रहता है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके इस फ्लैट में। तो ये देख सकते हैं आपको काफ़ी बड़ी बालकनी, इतनी बड़ी बालकनी है दोस्तों कहीं नहीं मिलती है आपको, अराउंड 4x12 की आपको काफ़ी बड़ी बालकनी मिल रही है दोस्तों, रोड फेसिंग का घर मिल रहा है दोस्तों। ये बहुत कम लोकेशन ऐसी मिलती है अपने को, जो कि हर तरह से एकदम परफेक्ट होती है। आइए अब आपको दिखा देता हूँ आपका ये जो अटैच बाथरूम है, तो ये आप देख सकते हैं ये आपका अटैच बाथरूम, यहाँ पे आपको बेसिन मिलता है, WC मिलता है, इधर आपको पूरा का पूरा वाटर कनेक्शन का पूरा सैनिटरी आपको मिल जाती है, जो भी सैनिटरी यूज की गई है
वो सारी ब्रांडेड क्वालिटी की यूज की गई है, जैसा कि आपको मैंने बताया G+12 के टावर में रोड फेसिंग का कॉर्नर का फ्लैट है दोस्तों, जो कि विथ एमिनिटीज़ यानी कि स्विमिंग पूल छोड़ के बाकी सारी एमिनिटीज़ है दोस्तों इसमें। तो अगर इस फ्लैट को आप विजिट करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिलता है, वहाँ से आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपना विजिट फिक्स कर सकते हैं, जब भी आएंगे आपको प्रॉपर्टी दिखा दी जाएगी। और दोस्तों मेरे पास अपकमिंग में पुष्पक नगर, पनवेल, नेरुल, सीउड, उलवे, इन हर लोकेशन में आपके लिए प्रॉपर्टी मेरे पास अवेलेबल है, चाहे वो रेडी टू मूव हो, अंडर कंस्ट्रक्शन हो या आपका रीसेल प्रॉपर्टी, कोई भी हो, तीनों प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। तो उसके साथ ही चाहे रेजिडेंस हो, कॉमर्शियल हो या ऑफिस स्पेस हो, अगर आप में से कोई रेंटल इनकम को देखते हुए कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट, छोटा इन्वेस्टमेंट और बड़ा रिटर्न अगर चाहते हैं वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है इस समय जहाँ पे आपको कम इन्वेस्ट करके, मतलब अराउंड उलवे में 1 BHK की रेंज का इन्वेस्टमेंट करके और आप एक अच्छा 45 से 50 हज़ार रुपये का रिटर्न ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पता बदलें, किस्मत बदलें।